विंता, मैंने तो सुना था कि तूने अपने पुत्र को ज्ञान ध्यान की सारी बातें बताई हैं, फिर भी इसे अगस्त्य महर्षि के बारे में नहीं पता, जिसके सामने पर्वत भी झुक जाते हैं। पर्वत भी झुक जाते हैं? तब तो ये महर्षि सचमुच अद्भुत है। इनके बारे में बताइए ना दीदी माँ। सप्त महान ऋषियों में से एक है महर्षि अगस्त्य। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि एक बार उन्होंने विशाल पर्वत को भी विवश कर दिया था अपनी आज्ञा मानने के लिए। हम सब मानते हैं कि हिमालय सृष्टि का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका स्वभाव ही है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना। एक दिन विंध्याचल पर्वत को हिमालय से इतनी ईर्ष्या हो गई कि उसने हिमालय से भी ऊंचा होने का हठ ठान लिया और तीव्र गति से बढ़ने लगा। शीघ्र ही विंध्याचल इतना शक्तिशाली और इतना ऊंचा हो गया कि उसने संसार का भ्रमण करते ही सूर्य को रोक दिया और पृथ्वी के आधे भाग पर सदैव प्रकाश रहने लगा और शेष आधा भाग सदा सदा के लिए अंधकार में डूब गया। ऐसी स्थिति में जीवन का विनाश होने लगा, पेड़ पौधे सभी प्रकार के प्राणियों का अंत होने लगा। ऐसे में देवताओं को भीषण चिंता होने लगी और वो उपाय की खोज में ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तो केवल सृष्टि का सृजन करता हूं, विंध्याचल को बढ़ने से रोकना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ब्रह्मदेव से इच्छा पूरी नहीं हुई तो सभी देवगण विष्णु के पास जा पहुंचे। प्रणाम विष्णु जी। सृष्टि में जो होता किसी न किसी कारण से ही होता और इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करना मेरे लिए संभव नहीं। विंध्याचल के विकास को रोकने का उपाय महादेव शिवशंकर ही कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही महात्मा है जो पृथ्वी पर छाए इस संकट का समाधान कर सकते हैं और वो है महर्षि अगस्त्य। आप सब उनके पास जाइए, समाधान अवश्य मिलेगा। प्रणाम अगस्त्य ऋषि। विंध्याचल से भी बड़ा उसका अहंकार है। एक बार वो अहंकार समाप्त हो जाए तो आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। पर उसका यह अहंकार समाप्त कैसे होगा? कितने छोटे हैं ये सब मेरे सामने, कितने तुच्छ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं इतना विशाल हूँ पर मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवश्य ही ये कोई बहुत सिद्ध महान ऋषि हैं, तभी तो शिव भक्ति में इतने लीन हैं कि आसपास की कोई भी वस्तु इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही है। ओम नमः शिवाय। यदि इनका मुझे आशीर्वाद मिल जाए मेरा प्रभुत्व तो और भी अधिक बढ़ जाएगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। कितना मनोहर है ये सब, ये धरती, ये आकाश। इन्हीं सब से तो मेरी सुंदरता भी है। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं आपके सम्मान में मैं क्या कर सकता हूँ? ऋषि अगस्त्य, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, जब तक लौट कर नहीं आता हूँ आप ऐसे ही रहिएगा दंडवत प्रणाम की मुद्रा में। यही मेरा उचित सम्मान होगा। जो आज्ञा महर्षि। महर्षि अगस्त्य ने उस दिन के बाद फिर कभी विंध्याचल पार नहीं किया। वो वहीं दक्षिण में ही बस गए, पर उनकी असीमित शक्ति का प्रमाण देता है विंध्याचल पर्वत। आज भी उनकी लौटने की प्रतीक्षा में वैसे ही है, दंडवत मुद्रा में भूमि पर लेटा हुआ। पर आज वो अभिमान से रहित है और सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे रहा है। यह तो सचमुच बहुत महान ऋषि है। इनके दर्शन करना तो सौभाग्य की बात होगी। इतना अधीर मत हो गरुड़। अभी तक उनके व्यक्तित्व के एक ही पक्ष के बारे में जाना है तुमने, पर महर्षि अगस्त्य के व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो सतह से नहीं दिखाई देता। उनके बारे में जानने के लिए गहराई में उतरना होगा। तेरे पिता महर्षि कश्यप बहुत शांत है, उन्हें देखते ही शीतलता का अनुभव होता है, किंतु वहीं दुर्वासा ऋषि जिन्हें देखते ही क्रोध की अग्नि का अनुभव होता है, किंतु महर्षि अगस्त्य इन दोनों से भी विकट है। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है। वो कब क्या करेंगे, किस पर प्रसन्न होंगे, किस पर क्रोधित होंगे और किसको अपना वरदान देंगे और किसको अपना श्राप, इसका अनुमान लगाना असंभव है। पिताजी और दुर्वासा ऋषि के सामने तो सावधान रहा जा सकता है, पर जिनकी प्रतिक्रिया का कोई अनुमान न लगा पाए उनके सामने कोई कैसे व्यवहार करे। यही भूल उन दोनों ने भी की थी। आतापी वातापी के साथ क्या हुआ था स्मरण है ना दीदी? ये कथा तो हमने भी नहीं सुनी माँ, बताइए ना कौन थे आतापी वातापी? आतापी वातापी दो राक्षस थे। दोनों ने संसार में अपना आतंक मचाया हुआ था। एक दिन एक व्यापारी अपने घर लौट रहा था, उसे देख आतापी वातापी ने अपना रूप बदला और मायावी शक्ति से उस व्यापारी के साथ छल किया। फिर आतापी ने बोला, लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं, मैं इस बकरे को खाने ही जा रहा था, वो तो शिव की कृपा से आपके साथ भेंट हो गई। आपको खाना खाने पीना नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से, मेरी कुटिया निकट ही है, आप आइए मेरे साथ। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था आपने। ये आपके लिए छोटी सी भेंट। बकरा बड़ा था, भोजन स्वादिष्ट और भेंट ये इतनी छोटी सी। वातापी, समय हो गया। वातापी, ये तो विचित्र माया है। पर मां, महर्षि अगस्त्य की कथा का इनके साथ क्या संबंध है? एक दिन महर्षि अगस्त्य भी उसी मार्ग से जा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आतापी वातापी की दृष्टि उन पर पड़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल भर में उनके मन में लोभ और जीवा में पानी आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आतापी वातापी आज महाभोज का आनंद उठाएंगे। ये ढोल सब पेट फाड़ेंगे और स्वाद से खा जाएंगे। लगता है बहुत दूर से आए हैं ऋषिवर। देखिए, बिन भोजन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, निकट ही मेरी कुटिया है, तो आइए। जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। वातापी वातापी, समय हो गया। वातापी, समय हो गया। वातापी बाहर निकल। क्या किया है तूने मेरे भाई के साथ? ऋषि बता, तूने क्या किया है? कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारा भाई? मैंने कहा था, तुमने सुना नहीं? जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। इस मंत्र के उच्चारण से भारी से भारी भोजन पचा सकते हैं। तुझे इसका दंड मिलेगा। यदि अगस्त्य ऋषि इतने ही अप्रत्याशित हैं कि कब क्या करते हैं कहा नहीं जा सकता, तो क्या वो गरुड़ से प्रसन्न होकर इसे अपनी इच्छा से नोनी का साग देंगे? ये कार्य कठिन है परंतु असंभव नहीं। महारानी, नोनी का साग मैं ले आऊंगा, तो भी समय से पहले। तुझे लाना ही होगा गरुड़। मेरे पुत्रों के प्राण आधार में है। अवश्य लाऊंगा महाराज, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। आज्ञा दीजिए। मैं गरुड़ के असफल होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वयं ही ये निश्चित करना होगा कि इनसे कोई चूक हो जाए और ये जीवित पुत्रिका के व्रत विफल हो जाए। पर कैसे करूँ ये, कैसे? सूर्यदेव अस्त होने ही वाले हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। यमदूत यहाँ? क्या देख रहा है गरुड़? क्या हुआ? बोल। पता नहीं मां, विचित्र सा भय लग रहा है। मैं जानता हूं, मैंने क्रोध में आकर अपने भाइयों को कहा था यदि उन्होंने आप पर अत्याचार किया तो मैं उन्हें ऐसी अवस्था में पहुंचा दूंगा कि वो ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करेंगे। आज जब सच में उनके प्राण संकट में है तो बोले गए शब्द धनुष से छूटे तीर की तरह होते हैं गरुड़। चाहकर भी उन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। पर इस समय तो इन नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दे। अभी जो कार्य करना है उस पर ध्यान दे। सच कहूं तो इस आपदा में भी एक वरदान मिला है तुझे। हाँ गरुड़, महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। यदि उन जैसे महान ऋषि का वरद हस्त तेरे सर पर होगा तो तेरे भाइयों के साथ कोई अहित नहीं होगा। गहरी श्वास ले गरुड़, अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे, अपने मन को विचार शून्य कर ले। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। आज्ञा दीजिए मां। हे नारायण, इसे सफल बनाइए। मेरी समझ के अनुसार आश्रम होना तो यही चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना आश्रम दिख रहा है और ना ही महर्षि और उनके शिष्य। कहीं मैं किसी और स्थान पर तो नहीं आ गया? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। पूर्ण विश्वास के साथ से तो यही कह सकता, परंतु मुझे यहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यदि आप सब महर्षि अगस्त्य की साधना शक्ति के साक्षी रहे हैं, तो कृपया मुझे भी उनकी आभा का दर्शन करवाइए। कोई संकेत दीजिए मुझे। इसका अर्थ यह है कि मैं सही स्थान पर हूं। अब बस महर्षि के दर्शन प्राप्त हो जाए। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.